नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। उर्दू की इस क्लास में हम एक गजल पर बातचीत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है अश्क आंखों में कब नहीं आता। अगर आपने ये गज़ल पढ़ी है और आप जानते हैं कि इसे किस शायर ने लिखा है तो आप हमसे बातचीत कीजिए, बताइए ऐसा कौन सी चीज़ है इस गज़ल में जो आपको अच्छी लगी, जो पसंद आई, क्या कोई शब्द पसंद आया, क्या जज्बात पसंद आए, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद आया हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं dth.class9@cit.nic.in। नवी कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमें पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 पर देख रहे हैं और इतना कुछ है गज़ल के बारे में जानने के लिए और इसके जो शायर हैं उनके बारे में भी जानने के लिए, तो हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमें बताएंगे इस सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुइज़्ज़मुद्दीन। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तन्वी जी, और बच्चों आपका भी शुक्रिया कि आज आप तैयार हैं एक अहम गज़ल पढ़ने के लिए। मीर तकी मीर की गज़ल है, आपके निसाब में ये शामिल है। नवी जमात की किताब है, नवाए उर्दू जिसका नाम है, उसमें आपने इसके पहले वली की गज़ल पढ़ चुके हैं और अंदाज़ा हो गया होगा कि आप गज़ल क्या है इसके बारे में आप जान गए होंगे। आपकी किताब में भी उसके बारे में दिया गया है, उसकी तफसील बताई गई है जी। तो गज़ल को समझने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी यही होता है कि गज़ल है क्या, उसके बाद गज़ल का जो अपना इंटरेस्ट होता है यानी मौजू। एक बात यहाँ हम ये समझते चलें कि किसी भी चीज़ को या लिटरेरी फॉर्म को समझने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये क्या बात कही गई है जो उसके मौजू से ताल्लुक़ रखती है, दूसरे वो बात कैसे कही गई है जो उसके फार्म से ताल्लुक़ रखती है। यही दो चीज़ें यानी क्या और कैसे जो है गज़ल का की हैसियत को तय करती हैं। और गज़ल जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसका मतला भी होता है, मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसमें रदीब भी होती है और काफिया भी होता है दोनों मिसरों में, यानी पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में। जब ये गज़ल आपके सामने आएगी तो उसमें मज़ीद बताएंगे कि इस गज़ल में काफिया कौन कौन है और गज़ल की रदीफ क्या है। इसी तरह गज़ल की एक खूब अगर गज़ल के बाद दूसरा मतले के बाद दूसरा मतला भी आता है तो उसको हम मतले सानी कहते हैं या हुस्न मतला कहते हैं या ज़ेब मतला कहते हैं, यानी मतले को ज़्यादा सजाने वाला, ज़िबाइश करने वाला, उसके हुस्न में इजाफा करने वाला, तो हम मतले सानी भी कह सकते हैं। अगर दूसरा मतला है उसे मतले ज़ेब मतला भी कह सकते हैं, हुस्न मतला भी कहते हैं। इसी तरह गज़ल की एक अहम खूबी यह है कि इसके गज़ल के अगर जितने भी अशार हैं 5 अशार 6 या 7 अशार उसकी कोई कैद नहीं होती, जिस तरह मौजूआत की इसमें कैद नहीं है उसी तरह इसके अशार की कैद नहीं होती इसमें, तो हर शेर अपने अलग अलग मौजू का होता है। एक शेर को समझने के लिए किसी दूसरे शेर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शेर का मफहूम समझने के लिए दूसरे शेर को हमें ज़रूरत पड़ती है उस, तो ऐसे अशार को यानी दोनों अशार को आपस में हम कताबंद अशार कहते हैं। गज़ल में एक अहम चीज़ ये होती है कि जहाँ गज़ल ख़त्म हो जाती है उसको हम मक्ता कहते हैं। मक्ता का मतलब जो है जहाँ क़ता हो जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और मक्ता हम उसी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना शायराना नाम यानी तखल्लुस पेश करता है, कोई उसका जो है कलमी नाम होता है या पेन नेम। तो जैसे अगर हम कहें कि आज जिसकी गज़ल हम पढ़ रहे हैं इनका नाम मीर मोहम्मद तकी था, लेकिन इनका इन्होंने अपना अपने नाम का ही हिस्सा एक बना लिया, तखल्लुस भी बना लिया मीर को, तो वो मीर तकी मीर के नाम से मशहूर हुए जो है। तो इससे पहले कि हम गज़ल के बारे में और जानें, सबसे पहले हम मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लें जिससे हमें गज़ल को के इस गज़ल को समझने में आसानी हो। देखिए ये मीर तकी मीर का तारुफ यहाँ पे दिया गया है। इनकी पैदाइश 1722 या 23 में आगरा में हुई थी। आगरा का उस ज़माने का नाम अकबराबाद है, लेकिन जब भी इनका जिक्र आता है तो अकबराबाद के हवाले से भी आता है, तो वो अकबराबाद में इनकी पैदाइश 1700, वफात इनकी लखनऊ में 1810 में हुई। इनका पूरा नाम मीर मोहम्मद तकी था और तखल्लुस इनका मीर था और नाम का हिस्सा बन गया, तो इस तरह ये इनको मीर तकी मीर कहा जाने लगा। इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था
अभी मेरे 11 साल के ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इनके ऊपर मुसीबत आ गई। जाहिर सी बात है कि इनकी परवरिश का मामला था, इनकी तालीम का मामला था, और फिर ये अकबराबाद को खैरबाद कह के यानी खैर लखनऊ दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनके इनके एक मामू रहते थे, सौतेले मामू, उनका नाम खान आरजू था। तो वह भी अपने वक्त के बहुत अहम शायर थे, बड़े शायर थे। तो मीर आकर उन्हीं के यहाँ रुके जो है, उनके यहाँ रहने लगे, और उनके वहीं उनकी तालीम है, उनकी वजह से उनके अंदर शायरी ज़ौक भी पैदा हुआ, शायरी करने लगी। इनके अंदर खुदादाद फितरी सलाहियत भी थी, तो उसको जिला बख्शी। लेकिन इनके जो मामू थे यानी खान आरजू, उनके साथ उनके सौतेले मामू थे, और मीर के साथ उनका कुछ रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से वो बहुत बददिल हो गए। इसके अलावा उस मीर का शुमार हालांकि उस ज़माने में अहम शोरा में होने लगा था, लेकिन चूँकि एक तो वो ज़ाती हालात इनके अच्छे नहीं थे उसकी वजह से, दूसरे उस वक्त दिल्ली के हालात अच्छे नहीं थे, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से बहुत ही अबतरी फैली हुई थी। यानी कभी नादिर अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, कभी नादिर शाह का हमला हुआ, नादिर शाह ने हमला शायद 1739 में किया, इसी तरह 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए और पैदर पर कई हमले किए। तो इसकी वजह से वहाँ की जो सूरत हाल थी बड़ी ख़राब हो गई दिल्ली की उस ज़माने की। जितने भी फ़नकार थे, अहले फ़नून थे, आलिम थे, शायर थे, या और भी लोग थे जो है, तो वो अलग अलग आसपास के इलाकों में जाने लगे। कुछ जो है रामपुर का रुख किया, कोई किसी ने कहीं का रुख किया, लेकिन ज़्यादातर शोरा ने वो सब जो अहले फ़न थे उस ज़माने में दिल्ली के छोड़कर लखनऊ जाने का इरादा कर लिया। तो वहाँ मीर भी बददिल हो गए और लखनऊ चले गए जो है। वहाँ उस वक्त नवाब आसिफुद्दौला थे। नवाब आसिफुद्दौला ख़ुद जो है एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, और जो आलिमों की और फ़नकारों की कद्र भी करते थे। तो उन्होंने मीर तकी मीर को 1781 या 1782 में उन्होंने लखनऊ आने की दावत दी, वहाँ लखनऊ चले गए जो है। तो अगर हम देखें तो इस तरह मीर की ज़िंदगी जो है किसी यही जगह पे रहकर उनकी शख्सियत नशोनमा नहीं हुई, बल्कि जो है उसमें अकबराबाद का भी माहौल है यानी आगरा का, दिल्ली का और लखनऊ का। तो ये तीनों जगहों की जो उनके समझ जो हालात थे, वहाँ उन्होंने हर तरह के हालात को देखा, सब कुछ देखा, उसकी वजह से उनकी शायरी में वो सारी चीज़ें नज़र आती जो उस ज़माने का दर्द है, उस ज़माने का जो कर्ब है, जो बेचैनी है, परेशानी है, वो सारी चीज़ें उनकी शायरी में जब आप आगे चलेंगे, उनको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको मीर की शख्सियत, उनकी अज़मत का अंदाज़ा और बेहतर तरीके से हो सकेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा अजीब कह देते हैं कि मीर ने फ़ारसी में तो शायरी की, लेकिन फ़ारसी ज़्यादा उन्होंने उर्दू में शायरी की। फ़ारसी में उनका सिर्फ़ एक दीवान है और उर्दू में उनके 6 दीवान हैं। इसके अलावा उन्होंने खुद अपनी एक खुदनविश यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम ज़िक्र मीर है, वो फ़ारसी में थी, उसको जो है फिर उर्दू में तर्जुमा हुआ। इसी तरह उन्होंने एक तस्करा लिखा मुख्तलिफ शोरा के बारे में, उनके हालात ज़िंदगी को मुख्तसरन लिया, और उसमें उनकी शायरी के बारे में बात की, यानी बहुत ज़्यादा तवील नहीं, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं, बल्कि मुख्तसर तौर पर तमाम शोरा उस ज़माने के जो थे आसपास के, और उनको उनके हालात ज़िंदगी, उनकी शायरी को उन्होंने कलमबंद किया, और उसका नाम रखा निकात शोरा। निकात कहते हैं नुक्ते का ये जमा है, और शोरा की जो बहुत अहम अहम बातें हैं उनको लिया गया। इनके कलाम में आप देखें तो जिनकी जो खूबी है वो आप बीती को जगबीती बना दिया। ऐसा लगता है कि जिन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की बल्कि ज़माने की बात कही, जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है इनकी शायरी को, तो बेसाख्ता कहता है कि अरे वाह, ये तो हमारे दिल की बात कह दी। यानी आप बीती जो इंसान के ऊपर बीतती है उसको इस तरह पेश करें कि उसमें एक जग बीती का तसव्वुर नज़र आने लगे, लगता है कि हर एक आदमी के दिल की बात कही गई है। इनके कलाम के यहाँ जो ज़बान इस्तेमाल की है, डिक्शन उसका बहुत ही सादा है, उसमें सदाकत भी है, जज्बे और एहसास की बात आपने की तो उसमें शिद्दत भी है, और जिस तरह से महसूस करते हैं उसी तरह दूसरों को भी महसूस कराते हैं, और जो कुछ देखते हैं उसकी तस्वीर कशी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और इनके यहाँ फ़िक्र की में गहराई भी है, बुलंदी भी है, और ये इनकी गज़लों की अहम खसूसियत है। तो इससे पहले कि हम आज की जो गज़ल है उसके बारे में हम जाने, मीर तकी मीर के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जब ये लखनऊ में गए तो वहाँ का माहौल इनके लिए अजनबी था, कोई जानता नहीं था इनको कौन है, कैसे हैं, और उस ज़माने के जो लिबास होता था आमतौर पर शोरा का, वो भी जो है जुब्बा और इमामा पहने रहते थे वो कुछ भी। तो जब इनको एक मुशायरे में पढ़ने के लिए बुलाया गया, दावत दी गई, तो जब ये खड़े हुए
तो आम तौर पर वहाँ लोगों ने, चूँकि अजनबी तो इनका होलिया ऐसा था कि लोगों ने इनको देख के मजाक को छुड़ाने की कोशिश की कि भाई ये क्यों, उन्होंने कहा कि भाई पहले आप अपने बारे में तो कुछ बताइए, कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, कुछ तो बताइए। यानी एक तरह से जिसको कहते हैं फप्ती कसना, यानी मजाक उड़ाना हल्का सा, तो वो लोगों ने किया। लेकिन चूँकि ये शायर थे और फिर बदी कहते थे, स्टम्पोर कहते थे, उन्होंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। वही खड़े खड़े जैसे उन्होंने 6 लाइन यानी 6 मिसरे कह दिए, जिससे पूरी शख्सियत दिल्ली की भी आ गई और उनकी अपनी जो है। तो पहले वो उसको समाप्त कर लीजिए, सुन लीजिए आप कि वो कहते हैं कि क्या वो दोबाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हसस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोज़गार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। तो इस तरह अपना तारुफ कराया उन्होंने जो है, और जब वहाँ के लोगों ने देखा कि वाकई जो है कि जब ये कहा कि हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के, यानी जो दियार उजड़ चुका, अब बस्ती उजड़ गई दिल्ली जो है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक इस तरह से इतना खूबसूरत अंदाज में तारुफ कराना, तो लोगों को पहले ही नशीत में, पहले ही फुर्सत में लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लिया, मोह लिया। अब फिर उन्होंने जो कुछ कलाम पढ़ा होगा जाहिर सी बात है इनके मिजाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कजी भी थी, यानी कुछ मिजाज में रूखापन था, मिजाज इनका चूँकि हालात ऐसे थे कि इनके ज़ाती हालात भी में, और चूँकि ये बहुत खुददार भी थे तो किसी से कुछ लेते नहीं थे, खुददारी भी इनके अंदर बहुत थी, तो कहीं ना कहीं ले कि इनके मिजाज में एक रूखापन आ गया था, वो कहीं इनकी शायरी में भी ज़ाहिर होता है, उनके कलाम वो इनकी शख्सियत में भी ज़ाहिर होता है। इनका एक शेर बहुत मशहूर जो मुझे ख़ास तौर पे पसंद आता है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो बर्बादी हुई थी तो उसको किस तरह से, दिल्ली की बर्बादी को और अपने दिल की बर्बादी से किस तरह मिसाल दी है कि रोशन है इस तरह दिले वीरा में दाग एक, रोशन है इस तरह दिले वीरा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले है चिराग एक। तो उस ज़माने का यह दस्तूर था जब कोई बस्ती वीरान हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, तो वहाँ इबरत हासिल करने के लिए यानी उससे सबक सीखने के लिए उस बस्ती के ऊंचे मुकाम पर एक चिराग जला दिया करते थे ले जाकर, ताकि लोग देखें कि कल ये बस्ती क्या थी और आज क्या हो गई। इसी तरह उस बस्ती की मिसाल को अपने दिल की मिसाल दी है कि हमारा दिल भी, हमारे दिल का भी वही हाल हो गया है। तो इस तरह बहुत इनकी शायरी में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो आइए अब हम इनके गज़लों की तरफ रुख करते हैं, आज इनकी गज़ल की तरफ, गज़ल की तारीफ होगी बता दिया। देखिए अब आपके निसाब में जो गज़ल शामिल है उसकी तरफ आते हैं हम। सर इसका अगर हम इसके शीर्षक की बात करें तो ऐसा शीर्षक क्यों है इसमें, अश्क आँखों में क्यों नहीं आते? देखिए हमने कहा कि गज़ल का कोई एक मौजू नहीं होता, शायर के ऊपर जो कैफियत गुजरती है, जो कुछ वो महसूस करता है उसके अपने अंदर की कैफियत, तो जो कुछ वो देखता है बाहर जो है, एक ही वाक्य को आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन एक अहम उसी वाक्य को एक शायर भी देख रहा है। तो शायर के अंदर जो अपने एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, क्योंकि वो बहुत हसास होता है, तो उस चीज़ को बेहतर तरीके से पेश करता है और ऐसे तरीके से पेश करता है जहाँ पर आम आदमी की नज़र भी नहीं जा सकती, हम सोच भी नहीं सकते, आप भी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। उसका वाक्य एक है, आपने भी देखा, हमने भी देखा, औरों ने भी देखा जो तमाशाई वहाँ पर हैं देखने वाले, लेकिन जो हसास होता है उसी वाक्य को देखकर उसका जहन बहुत क्रिएटिव हो जाता है, तकनीकी हो जाता है। तो जैसे इनका नाम है तो क्या इससे हमें समझ आता है कि क्या इनके मन में बहुत दर्द था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दर्द जाहिर बात है कि हर आदमी शायरी नहीं कर सकता, शायरी वही कर सकता है जिसको एक बहुत क्या कहते हैं सोचने समझने की अच्छी सलाहियत हो और सलाहियत का इस्तेमाल करने का उसका अपना जहन हो और फिर वो उसको लिखने के भी उसमें एक क्रिएटिविटी जिसको हम तखलीकियत कहते हैं वो अंदाज हो तभी जो है। तो ऐसे बहुत सारे किसी को भी पढ़ेंगे, गालिब का भी एक अहम शायर है, इकबाल का भी नाम आता, फैज़ अहमद फैज़ को भी आपने सुना होगा पढ़ा होगा, तो ऐसे बहुत सारे शोरा हैं कि उनके आम आदमियों से लोग वो बहुत हसास होते हैं, वो माहौल के अतबार से, अपने जज्बे के अतबार से ये जो कुछ उन पर गुजरती है उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं जो है। तो सबसे पहले तो इसको देखिए कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, इसका देखिए यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है कि मतला, जैसा कि हमने कहा कि तलू होने की जगह, यानी गज़ल यहाँ से शुरू हो रही है। इसके दो लाइनें हैं, दो लाइनों को जिसको हम पहला शेर कहते हैं, मिसरे उला या मिसरे सानी कहते हैं, इसमें देखिए अश्क आँखों में कब नहीं आता, ये मिसरे उला यानी पहला मिसरा है और इसका दूसरा मिसरा है लोहू आता है जब नहीं आता, यानी शायर यहाँ पर इस बात को कहना चाहता है कि अब जैसा कि हमने बताया कि मीर की ज़िंदगी पूरी तमाम हाल पूरी ज़िंदगी परेशान रहे और उस परेशान हाल ही में उनकी ज़िंदगी गुजरी, तो वो कहते हैं कि हमारी आँखों में तो हमेशा ही आंसू आते रहे,
यानी हम हमेशा परेशान रहे, अश्क आँखों में कब नहीं आता, ये एक सवाल सवालिया अंदाज है। तो सवालिया अंदाज में अगर आप इसको पढ़ेंगे इस मिसरे को, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि हमेशा आता है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, यानी कहने का मतलब कि हमेशा आता है। और हमेशा क्यों आता है, हमारे हालात ऐसे अच्छे नहीं है, तुम सियासी समाजी हालात भी हो सकते हैं, शहर के अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी होती है, लोगों के दिया हुआ दुख दर्द भी होता है, तकलीफ भी हो सकती है, या जो माहौल वहाँ का उस तरह का वो भी ख़राब है, तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो उस ज़िंदगी को देख कर हमारी आँखों में हर वक्त आंसू आता रहता है, अश्क आँखों में कब नहीं आता। अब किस वक्त नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता, जब आँखों में खून उतर आता है। लोहू, यहाँ पे लोहू लिखा हुआ है, शायर ने ज़रूरत शहरी के तहत उसका इमला बदल दिया है, लेकिन ये सही लफ्ज़ है लहू। आज के ज़माने में अगर बोला जाता तो हम लोहू नहीं लिखते, लहू लिखते हैं। तो लहू का मतलब खून। कहते हैं कि भैया आपने मुहावरा सुना होगा, खून के आंसू रोना या रुलाना, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना। तो मीर ने उसी चीज़ को यहाँ बांधा है कि जब अश्क आँखों में, हमारी आँखों में आंसू उसी वक्त नहीं आता, यानी हर वक्त आता रहता है, लेकिन जब लहू आता है यानी खून आ जाता है, आँखों में उतर आता है, तो उस वक्त अश्क नहीं आता, यानी कहने का मतलब कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल हो जाती है। तो पहले मिसरे दो, पहले शेर में देखिए कि दो काफ़ी इस्तेमाल हुई है, कब और जब। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, यानी कब और जब, यह काफ़िए हो गए आपस में। और नहीं आता, नहीं आता, ये पूरी गज़ल में इसको हम रदीफ़ कहते हैं, रदीफ़ एक ही होती है पूरी गज़ल में। कभी कभी कोई गज़ल ऐसी भी हो सकती है जिसमें रदीफ़ नहीं होती, सिर्फ काफिया होता है। तो गज़ल के लिए काफिया ज़रूरी है, रदीफ़ ज़रूरी नहीं है। और अगर ऐसी कोई गज़ल है जिसमें रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हुई है, तो उसको हम गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, यानी जिसमें रदीफ़ इस्तेमाल नहीं की गई है। अब दूसरे शेर में देखिए कि होश जाता नहीं रहा, लेकिन होश जाता नहीं रहा, लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। कहते हैं कि हम तो ऐसे कोशिश करते हैं कि हर वक्त होश में रहे, हर वक्त हमारी अक्ल सामने रहे, सब कुछ रहे, और बेदारी की हालत में रहे, अपना अपने होश आवाज दुरुस्त रखें, लेकिन जब हमारे वो कैसे मुराद यहाँ पर, जब वो आता है तब नहीं आता। तो यहाँ पे तब काफिया हो गया, कब और जब का, और नहीं आता वो रदीफ़ हो गई। और यहाँ वो से मुराद जो है महबूब की तरफ, अपने दोस्त की तरफ। को कहते हैं कि होश जाता नहीं रहा, लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता, यानी हमारा होश उस वक्त वैसे हमेशा रहता है, हर वक्त रहता है, हर वक्त हम जो है अक्ल की बातें करते हैं, होश में रहते हैं, लेकिन जब हमारा दोस्त सामने आ जाता है खुद, तो खुशी में हमारा होश गायब हो जाता है, जाता रहता है, जब वो आता है तब नहीं आता। और इसके बाद अगला शेर देखिए कि सब्र था एक मोन इसे हिजरा, सब्र था एक मोन इसे हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। सब्र तो आप जानते हैं कि सब्र करना, और मोनिस कहते हैं साथी को, हमदर्द को, हमदम को, हिजरा कहते हैं जुदाई को। तो कहते हैं कि जुदाई में हमारा सब्से बड़ा दोस्त कौन था, सब्र था, यानी हमारे पर कोई मुसीबत आती थी, चाहे वो महबूब की जुदाई का हो या किसी और वजह से हो या कोई तकलीफ़ हो, तो हम सब्र करते थे, और सब्र में हमें वो जुदाई में हम सब्र कर लेते, जब तन्हाई में होते तो हम सब्र से काम लेते थे। ये तो एक कैफियत थी जो पहले हमारा काम इससे चल जाता था, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, लेकिन अब एक ज़माना गुजर गया बहुत दिनों से, अब वो भी नहीं आता, यानी अब हमें सब्र भी नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि पहले हमारी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो गई, अब उसमें रोना धोना और फुगा करना, परेशानी की हालत वो बढ़ गई, इसकी वजह से जो सब्र था अब वो भी नहीं आ रहा, जो किसी वक्त हमें तन्हाई में या जुदाई में सब्र आ जाता था, लेकिन अब सब्र करते करते उसका एहसास भी ख़त्म हो गया और वो हमसे रुखसत हो गया, अब वो नहीं आता। अब देखिए दिल से अगला शेर है कि दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गालिब ने कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इंसान के दिलों में हर वक्त कोई ना कोई ख्वाहिश, बल्कि ख्वाहिश का एक अंबार होता है, एक ढेर होता है, वो चाहता है कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। एक आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो दूसरी की कोशिश करते हैं, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी पूरी की कोशिश करते हैं, यानी ज़िंदगी भर ये सिलसिला जारी रहता है। तो मीर तकी मीर वही कहते हैं, गालिब ने भी कहा था कि भाई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, और मीर तकी मीर ने यही कहा है कि गिरिया बेसबब नहीं आता, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश।
यानी हमारे दिल से ऐसी कोई ख्वाहिश थी जो बहुत शदीद थी, जिसकी हम शदीद तमन्ना करते थे, बहुत चाहते थे कि ये पूरी हो जाए, लेकिन जो है वो रुखसत हो गई, वो ख़त्म हो गई। हमने उसके लिए चाहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो नहीं आती। तो अब गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, गिरिया कहते हैं आंसू को, जैसे पहले शेर में था अश्क माने भी आंसू और यहाँ गिरिया माने भी आंसू, तो गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता, यानी अगर हमारी आँखों से आंसू जारी हैं तो इस आंसू के जारी होने का कोई ना कोई सबब है, कोई ना कोई वजह है। तो वजह क्या है, वो पहले मिसरे में बात कही गई, पहली लाइन में बात कही गई है कि दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, यानी हमारे दिल से ऐसी बहुत सी ख्वाहिश थी जो एक एक करके ख़त्म हो गई, और जो एक शदीद ख्वाहिश थी जिसकी जो बहुत जिसको हम अजीज़ रखते थे, बहुत चाहते थे, वो भी रुखसत हो गई। वह महबूब की तलब भी हो सकती है, किसी चीज़ की आरजू भी हो सकती है, कोई और चीज़ की तमन्ना हो सकती है, उसको आप जोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ से। अगर शायर वो बता देता अगर, तो उस शेर में कोई मानवीयत नहीं रह जाती, कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। लेकिन उसकी खूबी यही है कि गज़ल का जो फ़न है वो इशारे का फ़न है, किनारे का फ़न है, यहाँ बात खुलकर नहीं की जाती, इशारों में की जाती, तो उसी वजह से उसमें सोचने समझने का एक डायमेंशन बहुत पैदा हो जाता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो कुछ सोचेंगे, तो एक ही शेर के मुख्तलिफ तरीके से हम देख सकते हैं। तो गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता है, जी में क्या क्या है अपने आए हमदम, अगला शेर देखिए, जी में क्या क्या है अपने आए हमदम, पर सोखन ताबा लब नहीं आता। तो या ताबा लब यानी लब तो मुँह तक, लब कहते हैं होंठ को, वैसे हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जी में क्या क्या है अपने हमदम, मेरे दोस्त मेरे जी में पता नहीं क्या क्या बातें हैं, लेकिन जब मैं तुमको को देखता हूँ तो वो बातें मेरे लब तक, मेरे होठों तक नहीं आती। आसान शेर है ये। अगला शेर जो मक्ता कहलाता है, जिस पे शायर ने अपना कलाम यहाँ ख़त्म कर दिया है, दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, ये जो लिखा है इसमें कुछ शब्द काले से लिखे हैं, कुछ लाल से लिखे हैं, कुछ नीले से लिखे हैं, तो क्या आप इसमें हमें अंतर बताएंगे? मैंने पहले वजात की थी, आप देखिए कि नीले से जितने भी अल्फाज हमने लिख दिए हैं पूरी गज़ल में भी आप देखें, हाँ। तो कब है, जब, तब, अब, सबब, लब और अदब, यह जो है इस शेर में जितने भी काफ़ी इस्तेमाल हुए काफ़िया है, ये उन काफ़ियों को हमने अलग से बाद में भी करके लिख दिया ताकि बच्चों को ये पहचान सकें कि काफ़िया क्या है इस गज़ल का और अदीब क्या है। तो इसी तरह आप नहीं आता नहीं आता, देखिए पहले शेर के दोनों मिसरों में, इसी तरह हर शेर के बाद के शेर के आखिरी मिसरे में नहीं आता, यह रदीफ़ है। रदीफ़ जो है सिर्फ एक बार जो गज़ल में पहली बार जो आ गई वो गज़ल के आखिर तक वही रदीफ़ चलेगी। तो नहीं आता ये उसकी रदीफ़ या एक इस्तलाह है जो बात बता दी गई है। तो और काफिया जो है वो अलग अलग हैं, कब, जब, तब, सब, काफिया और रदीफ़ की इसके पहले वजाहत हो चुकी है। तो इसके अब ये देखिए दूसरा आखिरी शेर जो है, या दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो कहते हैं अगर आप किसी की ख्वाहिश करते हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं, अपने दोस्त महबूब को या कोई भी हो, तो आपको ये भी चाहता है कि आपको अदब भी करना है उसका जो है, इसलिए कि बग़ैर अदब के जो है अगर आप, और एक ये पहलू यहाँ पर यह भी हमें याद रखना है कि इश्क जो है अगर किसी चीज़ हमें तलब हो जाए तो उसकी शिद्दत ख़त्म हो जाती है, यानी हमारी चाहत में जितनी ही तड़प हो गई, जितनी ही बेचैनी हो गई, जितनी हम उसको पाने के लिए बेचैन होंगे, उतना ही उसका हमें ख्याल रहे का पास रहेगा। तो ये शेर जो है एक मार्फत का भी शेर है, और ये एक ऐसा शेर है कि मीर यह कहना चाहते हैं कि जीते जी तो हमने उसको नहीं पा जिसको चाहा था कि हमारी हासिल कर ले, लेकिन अब मरने के बाद भी हमारा जो गुबार है, जो उनकी कब्र के जो गुबार है, वो ऐसा नहीं है कि उस तक ना पहुँचे, यानी उसको भी लिहाज है कि उसका अदब किया जाए, उसका पास किया जाए। मीर का ही शेर एक है कि पास से नामों से इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे, यानी अगर हमारे आंसू जाहिर हो जाते, हम अपने आंसू को जाहिर कर देते, ऐसे जाहिर हो जाता कि किसी की मोहब्बत में आंसू निकल रहे हो और फिर बदनाम हो जाता। तो इश्क को बदनाम ना होने पाए ये अपने आंसुओं को सब रोकना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें जब्त से काम लेना पड़ता है, कहीं उस बेचैनी को ख़त्म करना होता है, यानी उसमें एक अदब शामिल होता है। तो कहते हैं कि जब इश्क शदीद हो जाता तो वहाँ अदब शामिल हो जाता है और वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है, तो इश्क बिन ये अदब नहीं आता, यानी गुबार दूर बैठा गुबार मीर उससे इश्क बिन ये अदब नहीं आता। अगर इश्क करना है तो कहने का मतलब कि आपको अदब भी सीखना होगा जो है, उसकी इज्जत करनी होगी, एहतराम करना होगा।
तो उम्मीद है कि बच्चों आपने इस गज़ल को पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ी होगी आपने यह गज़ल, और आज जो कुछ बातें बताएंगे यकीनन आपके समझ में आई होंगी बातें। और अगर आपको लगता है कि इसको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है तो किताब की मदद से, अपने उस्ताद की मदद से आप इस गज़ल को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और मीर का बहुत सारा कलाम है, आप जब आगे पढ़ेंगे दिलचस्पी के मुताबिक उनके कलाम को और भी हासिल करके पढ़ सकते हैं। जो है सर, ये जो गज़ल थी बहुत ही प्यारी थी और मेरे को बहुत समझ आई है, और हमारे दर्शकों को जैसे कि आपने कहा उन्हें भी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे आए हमारे साथ जुड़े। आपका भी शुक्रिया बच्चों, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक, जैसा सर ने कहा, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और ये जो गज़ल है उसे बहुत मज़े से सुनने के लिए और पसंद करने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाएगा। पीएम ई विद्या के चैनल्स जो है हम आप ही के लिए लेकर आते हैं, उस पर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। थोड़ी देर में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे, वो होगा वेबिनार ऑन ICT टूल। कौन सा ICT टूल होगा, किस बारे में बातचीत होगी, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइएगा। नमस्कार।